स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के दौर में आपने लैपटॉप का यूज़ किया होगा, दूसरों को करते हुए भी देखा होगा। ये इस्तेमाल करने में आसान होने के साथ साथ अपनी वर्किंग एफिशिएंसी के कारण भी हमारे काफ़ी काम आता है। इसके साथ ही एक बेहद यूजफुल प्रोडक्ट्स है जिनकी मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमें यकीन है बड़ी मेहनत से बनाए हुए इस वीडियो को आप कम से कम 1000 लाइक जरूर देंगे। आइए चलते हैं इन प्रोडक्ट की फैक्ट्री में। लैपटॉप फैक्ट्री में लैपटॉप बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल किया जाता है। उसे लैपटॉप के कीबोर्ड वाले हिस्से के साइज में काटा जाता है। इसके बाद एक CNC मशीन के जरिए उसके एक हिस्से पर ज़रूरत के अनुसार जगह बनाई जाती है जिसमें कीबोर्ड के साथ दूसरी चीज़ें फिट की जा सकें। लैपटॉप के एल्यूमिनियम प्लेट पर खांचे तैयार होने के बाद इसे फिनिशिंग टच दिया जाता है जिससे कि इसे बिल्कुल लैपटॉप की बॉडी की तरह रेडी किया जाता है। इसके बाद एक दूसरी एल्यूमिनियम प्लेट ली जाती है, उसमें लैपटॉप का दूसरा हिस्सा तैयार किया जाता है जिसमें लैपटॉप के दूसरे पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फिट किए जाते हैं। इस पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक और एल्यूमिनियम शीट ली जाती है, फिर उस पर नीड्स के अकॉर्डिंग खांचे तैयार किए जाते हैं। एक CNC मशीन बड़ी ही सफाई से इसमें खांचे बना देती है। लैपटॉप के इसी हिस्से को कीबोर्ड वाले हिस्से में भी फिट करना होता है। इसे मजबूती देने के लिए इसे फ्रेम में फिट किया जाता है। इसके बाद लैपटॉप का वो हिस्सा तैयार होता है जिसमें स्क्रीन फिट होना है। इसके लिए एक एल्यूमिनियम प्लेट लेकर इसे हाइड्रोलिक मशीन में रखते हैं। ये मशीन लैपटॉप के स्क्रीन की फ्रेम को रेडी कर देती है। इसके बाद रेडी किया जाता है लैपटॉप की स्क्रीन को। इसके लिए एक ग्लास को लैपटॉप की स्क्रीन के साइज में कट किया जाता है, फिर उसे कन्वेयर बेल्ट के सहारे CNC मशीन के पास पहुंचाया जाता है। CNC मशीन इसे प्रॉपर लैपटॉप के साइज में कट करती है, इसके एज को घिसकर सॉफ्ट करती है। इसके बाद इसे कई सारे केमिकल लगे पानी में ग्लास को डुबोया जाता है। इसके बाद स्क्रीन की सेफ्टी के लिए इसके चारों ओर प्लास्टिक की फ्रेम चढ़ाई जाती है। इसके बाद इस फ्रेम को एंटी रिफ्लेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर स्पोटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके बाद पैटर्निंग और एजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद ही स्क्रीन चलने लायक होती है और इसमें करंट पैदा होता है। इसके बाद स्क्रीन के साइज की कई सारी प्लास्टिक की शीट्स काटी जाती है, उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन में भेजा जाता है जहां उन पर कई सारी छोटी छोटी कलरफुल लाइट्स लगाई जाती है। फिर इन प्लास्टिक की शीट्स को आगे भेजा जाता है। हमें स्क्रीन पर जो कलर दिखाई देते हैं उनमें इन शीट्स का काफ़ी अहम रोल होता है। इस शीट को स्क्रीन के ऊपर फिट किया जाता है। इसके लिए इसे एक मशीन में रखा जाता है जो कलरफुल लाइट्स वाली इस शीट को स्क्रीन के ऊपर फिक्स कर देती है। इसके बाद इसके ऊपर कोटिंग स्प्रे किया जाता है जिससे कि स्क्रीन एकदम क्लियर हो जाती है। इन स्क्रीन को वाटरप्रूफ बनाया जाता है। इसके लिए इन्हें वाटरप्रूफ मशीन में रखा जाता है। इसके बाद स्क्रीन तो रेडी हो जाती है, लेकिन फिर इसके बाद शुरू होती है इसकी टेस्टिंग। इसमें लैपटॉप स्क्रीन को कन्वेयर बेल्ट के जरिए टेस्टिंग सेक्शन में भेजते हैं। वहाँ पर इसकी फंक्शन और अपीयरेंस की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद लैपटॉप पर ASF लेमिनेशन किया जाता है। इस प्रकार लैपटॉप की स्क्रीन बनकर रेडी हो जाती है। इसके बाद लैपटॉप के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मदरबोर्ड को तैयार किया जाता है। इसे PCB की मदद से बनाया जाता है। PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें पहले से ही सर्किट की वायरिंग प्रिंटेड रहती है। केवल इसमें लैपटॉप के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जैसे IC और भी दूसरे पार्ट्स को सोल्डर करना रहता है। इस PCB को बनाने के लिए इसमें मशीन के जरिए कॉपर वायर बिछाया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को सर्कुलेट करता है। इसके साथ ही इस बोर्ड में अलग अलग जगह तय की जाती है जहाँ पर लैपटॉप के अलग अलग पार्ट्स को लगाना होता है। एक पूरा डिज़ाइन मशीन के जरिए तैयार किया जाता है। बोर्ड में हर एक प्लेस डिसाइड हो जाता है, कहाँ रैम लगना है, कहाँ लैपटॉप के दूसरे कंपोनेंट्स को लगाना है। PCB प्लेट को रेडी करने के बाद उसे टेस्टिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ बारीकी से इस बात की जाँच की जाती है कि लैपटॉप के कोई कंपोनेंट की जगह छोटी तो नहीं। PCB प्लेट की टेस्टिंग के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कैनर मशीन को इस्तेमाल किया जाता है जो उसकी फ़ोटो खींचती है और ये कंप्यूटर को भेजती है। इसके बाद कंप्यूटर ये चेक करता है कि लैपटॉप के सारे कंपोनेंट के सर्किट प्रॉपर हैं या नहीं और उनकी जगह बन गई है कि नहीं।
टेस्टिंग में पास होने के बाद पीसीबी प्लेट को असेंबलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां 15 रोबोटिक मशीन लैपटॉप के छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ी ही आसानी से उसमें फिट कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोबोटिक मशीन पीसीबी प्लेट में 150 कंपोनेंट्स को उनकी सही लोकेशन पर प्रॉपर तरीके से केवल एक मिनट में ही फिट कर देती हैं। इसके बाद इन पीसीबी प्लेट्स को एक बार फिर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां ये चेक किया जाता है कि कोई भी कंपोनेंट छूटा तो नहीं और वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं। इसके बाद इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां लैपटॉप का डिस्प्ले पहले से ही रेडी होता है। इस डिस्प्ले पर एक फिल्म जोड़ी जाती है। डिस्प्ले में एक कनेक्टर भी जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से डिस्प्ले मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। इसी कनेक्शन की वजह से स्क्रीन पर हम कोई भी फिल्म देख पाते हैं। इसके बाद ही लैपटॉप प्रॉपर वर्किंग करता है। इसके बाद लैपटॉप की स्क्रीन पर पहले से तैयार किया हुआ उसका कवर फिट किया जाता है। स्क्रीन को कवर के भीतर रखकर उसे मशीन से प्रेस किया जाता है। इस प्रकार लैपटॉप की स्क्रीन फिट होने के बाद उसका ऊपर का हिस्सा रेडी हो जाता है। अब लैपटॉप के नीचे का हिस्सा रेडी किया जाता है। इस हिस्से को रेडी करने के लिए पहले से तैयार कीबोर्ड के सांचे में कीबोर्ड को फिट किया जाता है। मदरबोर्ड में फैन फिट किया जाता है। मदरबोर्ड में फैन के लिए पहले से ही जगह बनी हुई होती है। उसमें फैन लगाने के बाद मदरबोर्ड प्रॉपर वर्किंग करता है। मदरबोर्ड में लगा फैन उसके लिए एग्जास्ट फैन का काम करता है, जो अंदर की हीट को बाहर की तरफ भी भेजता है। इससे मदरबोर्ड की कूलिंग बनी रहती है। फिर इस मदरबोर्ड वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से में फिट किया जाता है। फिर मदरबोर्ड से LCD और कीबोर्ड का कनेक्टर जोड़ा जाता है। इसके बाद लैपटॉप के बाकी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके असेंबल किया जाता है। साथ ही इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई ड्राइवर, रैम, SSD को भी जोड़ा जाता है। इन तमाम कंपोनेंट को जोड़ने के बाद लैपटॉप में उसकी बैटरी फिट की जाती है। बैटरी फिट करने के बाद लैपटॉप के आउटर कवर को स्क्रू से कसा जाता है और ये पूरा काम मशीन के माध्यम से होता है। इसके बाद लैपटॉप को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। टेस्टिंग सेक्शन में सबसे पहले एक मशीन लैपटॉप के पूरा खुलने और बंद होने की जाँच करती है। इससे पता चलता है कि उसके दोनों पार्ट्स आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। इसके बाद लैपटॉप के कीबोर्ड की टेस्टिंग की जाती है। इससे ये पता चलता है कि इसकी हर एक की बराबर काम कर रही है या नहीं। फिर जो वाटरप्रूफ लैपटॉप होते हैं उन पर वाटर स्प्रे किया जाता है और इस बात की टेस्टिंग की जाती है कि इनका ये वाटरप्रूफ प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं। इन तमाम टेस्टिंग में पास होने के बाद लैपटॉप में इंटरनेशनल मोबाइल आइडेंटिटी नंबर पेस्ट किया जाता है। इसके बाद इसे पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस पर लोगो लगाती है और इसके बाद ये बेचने के लिए मार्केट में आ जाता है। ये था आज का वीडियो, जिसमें आपको बारीकी से लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा होगा। अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।